अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप आज ही चैनल बना रहे हो और कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊं जो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पहले दिन में ही 1000 व्यूज आ जाएंगे और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होने लगेगा, तो आपको कैसा लगेगा? अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और उसी के साथ और एक चीज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि दो ऐसे टॉपिक मैं आपको दूंगा खुद से कि इन दोनों में आप वीडियो बनाओगे तो उन दो वीडियो में आपका 1000 व्यूज ऐसे ही आ जाएंगे, गारंटी के साथ आ जाएंगे। 1000 से लाखों भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कंटेंट बनाते हो। तो इन सारे चीजों के बारे में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो सारे टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ शायद वो आप पहले भी सुने होंगे, पर ऐसे नहीं सुने होंगे जो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले मैं बताने वाला हूँ जो टिप्स, वो है ट्रेंडिंग। दोस्तों, आपको ट्रेंडिंग को ढूंढना होगा। कहाँ से ढूंढना होगा ये कोई नहीं बताता, मैं बता देता हूँ। आपको ट्विटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ट्विटर में ट्रेंडिंग पेज हो जाता है जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा जो मतलब पोस्ट करते हैं ना, जिसके बारे में पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पोस्ट करते हैं हैशटैग लगा के और वो ट्रेंडिंग पेज में जाता है। अगर आप ट्विटर को इंस्टॉल करोगे, ट्विटर में ट्रेंडिंग चीज को देखोगे कि आज क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा कि किसके ऊपर आपको वीडियो बनाना है। वहां पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कौन सी टॉपिक आपको फाइंड करना है, क्योंकि ट्विटर में अगर 50 ट्रेंडिंग में चला है, क्या 50 के बारे में आपको वीडियो बनाना है? कभी नहीं। जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले कैरेमिना थे ट्रेंडिंग कर रहा था। किस वजह से ट्रेंडिंग कर रहा था? यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक रिलेटेड। और उसी के साथ कैरेमिना थे के चैनल में फेक कॉपीराइट क्लेम आया था, कैरेमिना थे के चैनल जो है हैक हो गया था, हस्बैंड के वीडियो में कबीर स्ट्राइक आ गया था। ये सारे चीजों के बारे में अगर जो है ट्रेंडिंग में आए, कुछ ऐसा ट्रेंडिंग में आए, कुछ ऐसे पर्सन के बारे में ट्रेंडिंग में आए, कुछ जो जिसके पास लाखों या फिर मिलियंस में फॉलोअर्स है, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, आपको भी वो पता चल जाएगा जब आप ट्रेंडिंग को फाइंड करोगे। अगर ऐसे किसी बंदे के बारे में कुछ ट्रेंडिंग में आए तो धड़ाधड़ उस बारे में वीडियो बनाओ, जैसे कि कैरेमिनाति के बारे में मैंने बताया। इन सारे टॉपिक्स में अगर आप वीडियो बनाओगे, ये सारे टॉपिक सर्च करके, तो आपके वीडियो में गारंटी व्यूज आएगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा उसके बारे में वीडियोस बना देता है ना, तब आपके वीडियोस में व्यूज आने के चांस कम हो जाते हैं। पर अगर जब भी आपने ट्रेंडिंग में देखा तभी अगर आप वीडियोस बना दोगे तो आपके वीडियोस में जरूर व्यूज आएगा। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ना एक एग्जैक्ट टाइम में वीडियो बनाते हैं, पर आप एक नया यूट्यूबर हो, आपको कभी भी कोई टॉपिक मिल जाए, आप उस टाइम में ही जो है वीडियो को बना दो। ऐसे मत सोचो कि भाई मैं बहुत प्रोफेशनल हो चुका हूं तो मुझे 5 बजे वीडियो बनाना है, ऐसा नहीं। रात के 2 बजे भी अगर मिल जाए कोई टॉपिक, 2 बजे ही आपको वीडियो डालना है। क्योंकि सुबह जब होगा ना तो सबसे पहले आपका वीडियो रैंक कर जाएगा, आपके वीडियोस में व्यूज आ जाएगा। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। और सारे प्लेटफॉर्म में, सारे चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, सारे जगह में आपको एक्टिव रहना है और देखना है कौन से टॉपिक में लोग वीडियो बना रहे, कौन से टॉपिक में लोग सर्च कर रहे हैं, कौन से टॉपिक लोग सर्च कर रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है, वो कौन सा लोग है जो इसके साथ बुरा किया है। ये सारी चीज आपको यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ढूंढना होगा और उससे रिलेटेड वीडियोस बनाना होगा। दोस्तों, अब तो मैंने बता दिया कि आपको टॉपिक कैसे फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। मैंने पहले भी वीडियो बनाया इसके बारे में, वो वीडियो 12 से 13 मिनट का हो गया, इसी वजह से मैंने फिर से ये शूट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जब आप शुरुआती व्यूज आपके चैनल में आ जाएगा ना, जब आप ट्रेंडिंग में वीडियोस बना रहे हो तो आपका व्यूज ऐसे भी आ जाएगा, आपको क्या चीज करना है दोस्तों, जो व्यूज आ रहे हैं ना, वो जो लोग देख रहे हैं आपको वीडियोस को, सबको आपके चैनल में रखना है। कैसे रखना है? उसके लिए आपको आपका चैनल का जो कंटेंट है, जो वीडियो आप बना रहे हो ना, उसमें अच्छे से क्वालिटी डालना होगा, अच्छे से बोलना होगा, आपको लोगों से रिक्वेस्ट करना होगा ताकि वो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर नहीं बताओगे, अगर कुछ भी अपलोड कर दोगे ना, तो आपका चैनल में व्यूज तो आ जाएगा पर सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होगा, और सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होगा तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो आपको आपकी चैनल का जो कंटेंट है ना, उसमें ध्यान देना है। और उसके बाद जो अगर आपके चैनल में 20,000 व्यूज आ गए ना, तो आप जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उन 20,000 लोगों के पास वो जो होम पेज होता है ना यूट्यूब का, वहां पर आप दूसरा कोई भी वीडियो डालते हो ना, वो वीडियो उनके पास जाता है, रिकमेंडेशन में जाता है। और वो अगर आपके वीडियो में अगर आप थंबनेल बहुत ही बढ़िया बनाओ, टाइटल अच्छे से लिखो, तो वो जरूर आपके वीडियोस में क्लिक करेंगे। अगर टॉपिक आपका अच्छा हो तो आपके वीडियो में क्लिक करेंगे और आपका वीडियोस देखेंगे। और जब देखेंगे, अगर आपका कंटेंट भी अच्छा हो ना, तब आपका चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर व्यूज आना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उन व्यूअर्स को आपके चैनल में रखना एक बहुत बड़ी और चैलेंजिंग फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है अपने थंबनेल और सबसे ज्यादा आपके कंटेंट में जो है यहाँ पर ध्यान देना है, और लोगों से रिक्वेस्ट करते रहना है। जब भी आप वीडियो बना रहे हो, आपको लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 2000 व्यूज जो है गिफ्ट करने वाला हूँ। कैसे गिफ्ट करने वाला हूँ,
उसके लिए मैं आपको दो टॉपिक दूंगा। अगर उस दो टॉपिक में आप कोई भी कैसे भी वीडियो बनाओ ना, कैसे भी थंबनेल रखो, कुछ भी रखो, आपके वीडियो में 2000 व्यूज आ जाएंगे। अभी मेन फैक्टर ये है कि उन 2000 जो व्यूज आएंगे या फिर लाखों में जो व्यूज आएंगे, मैं आपको जो मिनिमम बता रहा हूँ वो 500 से ज्यादा व्यूज आएंगे ही, और जो है लाखों तक भी जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेन बात ये है कि वो जो व्यूअर्स जाते हैं आपके चैनल में, उनको कैसे रखना है आपके चैनल में, कैसे उनको सब्सक्राइब करवाना है, वो आपके ऊपर है। कैसे आप कंटेंट बनाते हो, कैसे आप थंबनेल क्रिएट करते हो, सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप अच्छे से बनाओगे तब आपके चैनल में वो रह जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर नहीं करोगे अच्छे से, अगर कुछ भी अपलोड करोगे, व्यूज तो बढ़ जाएगा दोस्तों, पर ना ही वॉच टाइम बढ़ेगा, ना ही आपका सब्सक्राइब बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों एक बार आपका चैनल में अगर 1000 व्यूज आ जाए, तो वो 1000 लोगों के पास जो है आपका वीडियो, जो भी आप इन फ्यूचर अपलोड करोगे, जो 2-4 वीडियो होगा ना, वो उनको रिकमेंडेशन में जाएगा। अगर वो 2-4 वीडियो देख लेते हैं, तो और भी जो वीडियो आप अपलोड करोगे वो भी उनके पास जाएगा। पर अगर एक वीडियो देख लिए, उसके बाद अगर आपने अच्छे से कोई कंटेंट नहीं बनाया, अच्छे से अगर थंबनेल नहीं बनाया, तब वो आपके वीडियो में क्लिक भी नहीं करेंगे और देखेंगे भी नहीं। और जो वीडियो में आपको बताने वाला टॉपिक, ये दो वीडियो अगर अच्छे से नहीं बताओगे, तो पहले ही आपको समझ लेगा कि ये अच्छे से नहीं बनाता, तो इसके वीडियो हमें नहीं देखना है। तो आपको आपके वीडियो में 2-3 दिन तक काम करना है अच्छे से, और उसके बाद अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इन दो टॉपिक में वीडियो बनाओ, और उसके बाद जो है लोगों से रिक्वेस्ट भी करना वीडियो बनाते बनाते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी कर लेना। तो जो टॉपिक दो मैं बताने वाला हूँ, वो है सबसे पहले फ्लिपकार्ट और ईकार्ट फ्रॉड। दोस्तों फ्लिपकार्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब फ्लिपकार्ट के ऑर्डर नहीं जा रहे, आपको पता है, मैंने इसके बारे में वीडियो बना के रखा। आप भी इसके बारे में वीडियो बनाओ, फ्लिपकार्ट और ईकार्ट के बारे में अच्छे से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उनके बारे में जो वीडियो बनाओ, आपके वीडियो में गारंटेड 500 से ज्यादा व्यूज आएंगे। दूसरा जो है वो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, कोई भी जो भी प्लेटफॉर्म होता है ना, शॉपिंग प्लेटफॉर्म, जो भी वहां पर सेल आने की बात है, चाहे वो आ जाए, चाहे वो 1 साल बाद आए, उनके डेट सब बताओ, कोई भी ऑफर सबको मिलता है ऑफर्स के बारे में बताओ, और उनके बारे में वीडियो बनाओ अच्छे से, आपका उसमें भी व्यूज गारंटेड आएगा। तो दोस्तों जब इनके बारे में आप वीडियो बनाओगे, व्यूज जब आएगा, मुझे जरूर आके बताना कि हाँ भाई वीडियो आया था, और मैंने जो बताया कि व्यूज आ जाएंगे, व्यूअर्स को आपके चैनल में रखना वो आपका काम है, कैसे उनको पकड़ के रखते हो, कैसे उनको जो है आपको अट्रैक्ट करते हो, और वो जो आपके चैनल में रह जाएगा, वो सब कुछ आपके ऊपर है, तो आपको ही वो सब कम करना होगा। और दोस्तों अगर आप अपने चैनल का कंटेंट अच्छा रखोगे ना, अगर आपका वॉच टाइम ज्यादा हो जाए, तो वही वीडियो जिसमें 1000 व्यूज आ जाएगा, उसमें अगर आपका एक वीडियो 5 मिनट का है, अगर कोई 3 मिनट भी देख लेना, अगर जो 1000 बंदा है वो 3 मिनट तक देख ले, तो आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। तो आपको वॉच टाइम में भी बहुत काम करना होगा, ताकि आपका चैनल को लोग, मतलब आपका वीडियो को बहुत टाइम तक देखे, और आपका वीडियो में अच्छे से वॉच टाइम है जो मेन चीज होता है दोस्तों, तभी आपका चैनल में जो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, अगर चैनल वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक नया यूट्यूबर हो, तो इन सारे चीजों का फॉलो करो, और कुछ किसी का वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, इसके ऊपर आप वर्क करो, आपको पता चल जाएगा कि व्यूज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप मेरे चैनल देख सकते हो, 3 महीने में मेरे चैनल में कैसे व्यूज आ रहे, 1000 या 1200 सब्सक्राइबर भी मैंने अचीव कर लिया, जो एक साल में लोग नहीं कर पाते, वो मैं जेनुइन कंटेंट अपलोड करके, उल्टा सीधा नहीं, मैंने जेनुइन कंटेंट अपलोड किया, फेस कैम वीडियो बनाया, मैंने खुद का वीडियो बनाया, फिर भी मेरा 1000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो गया। आप भी कर सकते हो, अगर आपको यकीन हो, आपका विश्वास हो, अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, जरूर आएगा। यहाँ पर डिमोटिवेटेड होने वाली कोई बात नहीं, अगर आप हार्डवर्क करोगे जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर कभी भी मायूस मत होना, टाइम लगता है सब कुछ में, अगर आप अच्छे काम करते रहोगे, आपको विश्वास रहेगा आपके खुद के ऊपर कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वही है ना, पे आपको जरूर जो है सक्सेस मिलेगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज यार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर, ताकि हमारे आगे वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर देना। जय हिंद।